पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। निजी मीडिया चैनल के ग्लोबल समिट 2024 के मंच पर भी संदेश खाली की घटना का जिक्र हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने देश के आंतरिक मामले में बयानबाजी से बचते हुए ममता सरकार के साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष किया। नारी शक्ति सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, वहां जो हुआ वो किसी भी इंसान के सोच से परे है। पश्चिम बंगाल में जब भी हिंसा हुई तो मैंने कहा था कि अगर भाजपा ही है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है, अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है तो उसे घर उठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया जा सकता है, अगर भाजपा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे पेड़ से टांगकर मारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे कहा, अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम भाजपा कार्यकर्ता हैं तो हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी राजनीतिक कीमत है जो हम लड़ने के लिए देते हैं। संदेश खाली में वो है जो भाजपा ही नहीं, वो लोग हमारे पास आए। आप सोच सकते हैं, जिन लोगों ने ममता बनर्जी को सालों से सहयोग दिया उन औरतों को घरों से उठाकर बलात्कार किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि औरतों को उनकी उम्र और धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। कांग्रेस के लोग भी वहां जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे को राजनीति की भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं। उनके पास इस घटना के लिए एक भी शब्द नहीं। इतना कहने के बाद स्मृति ईरानी ने सवाल को टाल दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया। स्मृति ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं की क्षमता को पहचाना और उसे एक अलग पहचान दी। उन्होंने कहा कि आज से करीब 20 साल पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो यह सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना का जिक्र करते हुए स्मृति ने कहा, योजना महिलाओं को एक नई ऊर्जा दी है। इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं देश की रक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं और भारत की नारी शक्ति का वैभव दुनिया ने देखा है। आज भारत की महिलाएं दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।